जोहार, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम अपराजिता पांडे है, आप देख रहे हैं हजारीबाग अपडेट्स। हजारीबाग अपडेट्स की खास पेशकश, हजारीबाग का जायका में आप सबों का खूब खूब स्वागत। पीछे इमरती आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। आपको बता दूं कि इमरती जलेबी जैसा दिखता जरूर है, लेकिन जलेबी से इसका कंपेरिजन ना इंसाफी होगी। आपको बता दूं कि ये इमरती उड़द दाल से बनता है, और चूंकि हजारीबाग का जायका आप लोग बेहद पसंद कर रहे हैं, तो लगा कि क्यों ना ये लाल लाल इमरती का, या इमरती जो भी आप कह लें, उसका जो है बनाया जाए एक पूरा स्टोरी कि कैसे इमरती बनता है, क्योंकि रमजान का पावन महीना चल रहा है और ऐसे में इस वक्त आपको कई दुकानों में हजारीबाग में इमरती बनते हुए दिख जाएगा। तो चलिए यहाँ के कारीगर से डायरेक्ट मुखातिब होते हैं, बातचीत करते हैं कि इमरती या इमरती आखिर बनता कैसे है और क्या क्या फायदे हैं इस उड़द दाल से बनने वाले इमरती से। तो खूब खूब स्वागत हजारीबाग अपडेट्स। ये जो है धोवा उड़द दाल का बनता है, ये हम लोग रात में फुलाते हैं, सुबह 8 बजे सुबह से बनना स्टार्ट होता है। इस तरह से फिटाता है ये दाल। ये बता दीजिए बैठ करके क्या क्या चीजें इसमें मिलाते हैं आप। सिर्फ धोवा उड़द दाल है, हल्का कलर है ये, है ना, ये है ना, इससे बनता है। इससे बनने के बाद वो डायरेक्ट डाला था, अभी हाफ पका कर रखा रहा, फिर उसके बाद 3 बजने के बाद फिर इसके रस में डलाया जाता है। सारी के वक्त में ज्यादा बिकता है ना, 4 बजे 4 से 6 तक के 2 घंटे तक ये सेल है। कितने सालों की दुकान है ये और यहाँ आसपास और भी जो शॉप है, कितने वर्षों से लोग चला? हमारा दुकान सिर्फ अपना मेरा दुकान है, 50 से 55 साल हो गए। अच्छा, जैसे ये बटर बना लिए आप रात में उड़द दाल को फुलाने के बाद, तो उसके बाद की क्या प्रक्रिया होती है? उसके बाद ये सुबह में ये मिल में पिसाता है, मशीन में, मिक्सर में, मिक्सी में पिसाता। जी हाँ, मिक्सर पिसाने के बाद ये सुबह भी इसको फिटाता है ये, कि उसके बाद ये जैसे वो बन रहा है। और क्या कितने घंटे छोड़ते हैं इसको? छोड़ते हैं वही लगभग 5 से 10 मिनट तक ये पकता है, फिर उसके बाद ये हाफ पका कर रखा जाता है, फिर उसको 3 बजने के बाद ये सारा पाक में डलाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ देखेंगे आप इमरती जो है तला रहा है। अच्छा, कितने मिनट तक इसको तलना होता है कि इसका जो कुरकुरा स्वाद है वो आ जाए? लगभग 10 मिनट तक पकाने के बाद। 10 मिनट तक पकाना पड़ता है, और फिर इसको जैसे पाग है यहाँ पे रखा हुआ चीनी का, उसमें कितने देर तक? बस पूरा डालते हो 2 मिनट में निकल जाएगा। 2 मिनट में निकल। अच्छा, इस तरह से ये किस चीज़ का? कॉटन का कपड़ा यूज करते हैं? जी हाँ, कॉटन का रहता है। तो इसमें क्या छेद भी रहता है जो निकलता है? हल्का छेदा रहता है। देखेंगे आप कॉटन के कपड़े में इस तरह से उड़द दाल का और थोड़े से फूड कलर का रंग डालने के बाद तेल में देखेंगे आप इमरती को किस तरह से, एकदम करीब से आप देखिएगा फुटेज में कि कैसे स्पीडली ये जितना भी तला चुका है लगभग 10 मिनट तक ये पाग में जाएगा, और 2 मिनट के बाद बिल्कुल आप इसको खरीद करके रमजान के इस पावन मौके पर अफ्तार कीजिए। जी हाँ, और बाकी और भी हमारे जो भी हिंदू भाई बहन हैं या और भी जिस भी धर्म के भाई बहन हैं, उनको इमरती बहुत पसंद होती है। अगर उनको मिठाई या मीठा, अगर कुछ स्वीट्स पसंद है, बहुत लोग पसंद करते हैं। आपको बता दूँ, जलेबी और इसमें बहुत डिफरेंस होता है। बहुत लोग इमरती और जलेबी को सेम समझते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो नॉलेज हम लोगों को है, मैदे से बनता है। ये देखें, इमरती बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है, आपके प्लेट में जो है सजने लायक और खाने लायक ये हो चुका है। कैसे केजी अभी मिलता है या कैसे पीस मिलता है? 160 रुपए केजी या 7 रुपए पीस है। 7 रुपए पीस है, यानी आप लोग भी अगर इसका जायका लेना चाहे तो आराम से 7 रुपए पीस या 160 रुपए किलो ले सकते हैं। और यहाँ पे फिर वही प्रक्रियाएं चलेंगी और पूरे दिन लगभग, खास करके रमजान के महीने में ये बनता रहेगा। 11 बजे रात तक बनाते हैं। 8 अच्छा, प्रतिदिन की अगर बात करें बिक्री कितनी हो जाती है? पूरा दिन का लगभग 3-4 हजार पीस। 3-4 हजार, तो कितना उड़द दाल मतलब समझिए? 30 केजी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताएं, कमेंट करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आज रमजान के पावन महीने का ये दिन है और ऐसे में जो है इसका लोग इफ्तारी के टाइम में बहुत उपयोग करते हैं, घरों में दोस्तों के साथ जब 6 बजे के वक्त में ये लोग इफ्तार करते हैं पूरे दिन रोज़ा रखने के बाद। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अब इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।